तो दोस्तों आज मैं आया हूँ राजनांदगांव के श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। बहुत ही सुंदर दिखता है। राइट में मैं गुजरता था तो एक भी बार यहाँ दर्शन नहीं कर पाता था। चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का शिवलिंग और अंदर का नज़ारा। सोने जैसे चमकता है दोस्तों, रोड में है ये देख सकते हो। बारिश अभी अभी समय है। चलिए, मैं पूरा भीग चुका हूँ फिर भी आपको फिर वीडियो बनाना जरूरी है। हफ्ते में 300 उतारना बहुत जरूरी है करके देख सकते हो। तो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ दुर्गा के लिए। बारिश फिर से चालू हो गया है, देख सकते हो पानी गिर रहा है। जो आदमी श्रद्धा करते हैं वो निगेटिविटी सोचते नहीं। और मंदिर आके हम कम से कम थोड़े देर के लिए तो सुख सुकून प्राप्ति मिलते हैं। यहाँ की यही लाइट है जो रात में चमकाती है सोने की तरह। रात में मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप देखिएगा इतना बेहतरीन लगता है दोस्तों। क्या दिखता है रोड से सब देखते हैं, देख सकते हो सारा पेंट सोने कलर में किया गया है, गोल्डन कलर। दर्शन सुबह सुबह दे के दूध चढ़ा के चले जाते हैं दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पे पेयजल का भी सुविधा है, बैठने का भी सुविधा है, ठंडा पानी यहाँ मिलता है देख सकते हो 12 महीना। और यहाँ पे हाथी और ऊपर देख सकते हो झंडे लहरा रहे हैं, ये देखिए। बारिश बहुत तेज हुई दोस्तों, अभी अभी थमी है, देख सकते हो सूस पर अब भीग गया है। और ये बड़ा सा घंटा और यहाँ पे पैर धोने के लिए बना हुआ है, पैर साफ करके ही जाइए अंदर। ऐसे पीछे भवन है श्री बागेश्वर भवन, ये देख सकते हो 17 जुलाई 2022। तो आप भी 17 जुलाई को आके यहाँ दर्शन में शामिल हो सकते हैं, दर्शन श्रद्धालुओं के साथ। यूट्यूब चैनल भी है यहाँ देख सकते हो। रोड से ही लगा है दोस्तों ये। बड़ा ही सुंदर यहाँ पे टाइल्स लगा है और देख सकते हो श्री बागेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर जी के लाल कुमारी प्रसाद एंड ब्रदर्स ने सन 1946 में 2003 स्थापित किए हैं, देख सकते हो अभी तक बहुत अच्छे से यहाँ पे बड़ा ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो महादेव बाग, नीचे शिवलिंग और मूर्तियां हैं। अभी अभी पूजा करके दूध चढ़ाया गया देख सकते हो। ऊपर लाइट लगा गया है पूरा। चारों तरफ मूर्तियां हैं देख सकते हो, कृष्णा लक्ष्मी सारे भगवान। और ये सारे लाइट रात में जलती हैं दोस्तों, बहुत अच्छा दिखता है। बाहर निकालने से ये भोलेनाथ का त्रिशूल बहुत प्यारा। और इधर सेवक नीचे ट्रस्ट का एरिया है, राजनांदगांव से आके में दुर्गा रास्ते में पड़ेगा आपको ये मंदिर। और पेंट ऐसा किया गया है कि एकदम चमकते हैं दोस्तों रात में, तो ज़्यादा एकदम सोने जैसे कलर चमकता है। लाइट जब सारे में लाइट दिखते हैं, पूरा लाइट लगा है सभी तरफ। और ये दिए यहाँ पे रखे हुए हैं,
इधर भी ट्रस्ट एरिया है, भवन है अंदर में। पीछे जब कुछ कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो प्रसाद बांटते हैं उनके। अरे इधर से दूर ले जाने रास्ते हैं, इधर से राजनांदगांव। ओम गणेश नम, राम लक्ष्मण गाय माता भोले। और एक चीज़ और दिखाऊं दोस्तों आपको, देख सकते हो सभी त्रिप यहाँ पे शिवलिंग टंगी हुई है, असली के असली केदारनाथ, श्रीकेश्वर, ओमकारेश्वर, श्री कालेश्वर, मल्लिकार्जुन, श्री सोमनाथ, सारी शिवलिंग स्थापित है यहाँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ऐसी वीडियो हमारे चैनल में हफ्ते में 3 से 4 बार डाली जाती है, छत्तीसगढ़ टूरिस्टों के नाम।